ना है मिठाई रबड़ी, ना है केक पेस्ट्री, घर की ही कुछ चीजों से झट से बनने वाला ऐसा शाही मीठा जो मुंह में घुल जाए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसा जबरदस्त टेस्टी रॉयल डेजर्ट कि जिसको बनाने के लिए ना क्रीम चाहिए, ना अंडा अवन, ना बेकिंग, ना कंडेंस मिल्क और ना ही मिल्क पाउडर। ऐसा शाही डेजर्ट कि जो खाए वो उसके स्वाद में खो जाए। सबसे खास बात, पहले से बनाकर आप इसे कई दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल को विद परल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। एकदम क्रीमी सुपर टेस्टी रॉयल डेजर्ट यानी शाही मीठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 180 ग्राम सेवई, जो बहुत बारीक वाली सेवई आती है ना, जैसे हम दूध की सेवई वगैरह बनाते हैं, ये मैंने वो ली है। तो आज की जो ये शाही मिठाई है, एकदम सिंपल जो सेवइयां होती हैं उससे बनाएंगे, लेकिन जो उसका लुक और जो टेस्ट निकल कर आएगा सब वाह वाह करते रह जाएंगे खाते ही। तो ये सेवई जो ब्राउन वाली आती है ना इस तरह की, ये मैंने वो ली है। अगर ऐसी सेवई हो तो ये ले लीजिए, या फिर एक फाइन वाली आती है थोड़ी सफेद सी हल्की हल्की, जिन्हें हम लच्छा सेवई बोलते हैं, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सेवइयां को इस तरह से हाथ से हल्का क्रश करना होगा कि थोड़ी सी ये बारीक हो जाएं। इस मीठे को बनाना बेहद आसान है, आपको इसके लिए कोई मावा चाशनी भी नहीं चाहिए, ना कोई कंडेंस मिल्क, ना मिल्क पाउडर, कुछ नहीं चाहिए। सिंपल से चीजों से जो घर में रहती हैं आप ये शाही मीठा तैयार कर सकते हैं। और ये लीजिए, इस तरह से सेवई को मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है हाथ से क्रश करके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आप गैस पर चढ़ाएं एक पैन या कढ़ाई, फ्लेम को रखेंगे या मीडियम, और पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच घी। आप घी की जगह यहाँ बटर भी ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यहाँ आप तेल न लें, फिर वो मीठे में ना तेल वाला टेस्ट आ जाता है। और घी के पिघलते ही हम इसमें डाल देंगे हमारी तैयार क्रश्ड सेवई। अच्छे से करेंगे मिक्स और बढ़िया से सेवई को घी के साथ लगभग 3 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे कि पूरी घी की कोटिंग हमारी सेवइयों पे हो जाए और सेवई में कच्चापन निकल जाए। फ्लेम यहाँ पर लो मीडियम रखें। अच्छा, सेवइयां बहुत जल्दी जलने लगती हैं, इसलिए लगातार चलाएं जरूर और गैस की आंच को कम रखें। और ये देखिए, 1 मिनट के करीब मैंने बढ़िया से सेवई को भून लिया है। अब इस स्टेज पर यहाँ मैं डाल रही हूँ 5 बड़े चम्मच चीनी का पाउडर यानी शुगर पाउडर। चीनी लीजिए, मिक्सी में चलाइए, फाइन पाउडर बना लीजिए। इससे क्या होगा कि बढ़िया से फटाफट से चीनी मेल्ट हो जाएगी और जो हमारी सेवइयां हैं वो क्रंच के साथ साथ रसीली भी हो जाएंगी। हम चीनी भी डाल सकते थे, पर फिर वो चीनी मेल्ट होने में ज्यादा समय लग जाता है, इसलिए ये तरीका सही है। अब जैसे मैं यहाँ पर ये चीनी का पाउडर डाल रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ कंडेंस मिल्क भी 4 चम्मच डाल सकते हैं। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया हमारी सेवइयां रोस्ट हो गई हैं, हल्का सा बढ़िया कलर आ गया है और चीनी भी पूरी मेल्ट हो गई है। अच्छा, इस स्टेज पर अपनी रॉयल मिठाई को एकदम जबरदस्त लुकिंग देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बूंद ऑरेंज कलर की। बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आप थोड़ा कलर डालना चाहें तो डालिएगा, वरना इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। ये देखिए, एकदम बढ़िया से मैंने सब चीजों को मिक्स कर लिया है। बहुत ही सुंदर शाइनी सी हमारी क्रंची सेवइयां दिख रही है। और गैस बंद करके इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच रोज एसेंस, रोज वाटर होता है ना, बस ये मैं वो डाल रही हूँ। रोज का फ्लेवर इस मिठाई में जबरदस्त लगता है, मतलब मजा आ जाता है, दिल और दिमाग खुश हो जाते हैं। आप इसकी जगह पर केसर फ्लेवर में इसको बना सकते हैं, वनीला एसेंस डाल सकते हैं, इलायची पाउडर भी डाला जा सकता है, जिस फ्लेवर में भी आप बनाना चाहें इस मिठाई को तैयार कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई हमारी रेडी। यहाँ पर मैं अपने रॉयल मीठे को सेट करने के लिए ले रही हूँ इस तरह से स्टील की थाली। आप इसकी जगह जो कांच वाली डिश होती है वो भी ले सकते हैं, थाली सभी के घर में होती है तो थोड़ा इजी हो जाएगा। थाली पर कुछ बूंद घी की लगा करके इस तरह से थाली को ग्रीस कर लेंगे, जिससे हम अपने मीठे को आसानी से निकाल पाएं। और जो अभी हमने अपनी सेवइयां तैयार की ना, इसमें से आधी सेवइयां हम लेकर के थाली में नीचे बढ़िया से स्प्रेड कर देंगे। देखिए, इस तरह पूरा फैला लेंगे। आधी बचा लेंगे। अब आप लीजिए एक कटोरी या गिलास और उसकी बैक साइड से इस तरह से प्रेस करके अच्छे से इसको दबा दीजिए। इससे ये बिल्कुल बढ़िया से लेवल सेट हो जाएगा और फिर जब मिठाई आप निकालेंगे तो इजीली वो निकलेगी भी, साथ के साथ मिठाई पूरी लेयर्स इंटैक्ट रहेंगी। ये देखिए, एकदम हो गई ना बढ़िया से लेवल। तो चलिए, इसको रख देते हैं अभी अलग, फटाफट बनाते हैं जबरदस्त क्रीमी वेलवेटी सेकंड लेयर, जो इस नवाबी मीठे में देगी जबरदस्त ट्विस्ट। तो यहाँ पर हम लेंगे एक कढ़ाई या पैन, और अभी ना गैस पर नहीं चढ़ाएंगे, अभी इसी तरह प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में मैं यहाँ ले रही हूँ 2 कप दूध, 2 से 2.5 कप तक दूध आप यहाँ ले सकते हैं, ऐसा मान के चलिए 600 ml के करीब।
और 5 बड़े चम्मच में डाल रही हूँ चीनी। अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी सी कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और अपनी इस जबरदस्त पुडिंग को वेलवेटी और क्रीमी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़ा चम्मच कॉर्न स्टार्च, जिसे हम कॉर्नफ्लावर भी बोलते हैं। अब आप कहेंगे पारुल, अगर कॉर्न स्टार्च ना हो तो? अगर कॉर्न स्टार्च ना हो तो आप उसकी जगह पर डाल सकते हैं अरारोट पाउडर, या फिर वो भी ना हो आपके पास कस्टर्ड पाउडर हो तो 3 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल लीजिए। अच्छे से करेंगे सभी चीजों को एक विस्कर से मिक्स। साथ ही हमारी पुडिंग को एक प्रॉपर बाइंडिंग देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच मैदा, और मैदा डाल करके बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर देंगे कि इसमें लम्स ना रहे। ये देखिए मैंने सभी चीजें बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर ली हैं। अब हम अपनी कढ़ाई को चढ़ाएंगे गैस पर और फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम, और लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से अपनी पुडिंग को गाढ़ा कर लेंगे। यहाँ पर चलाना जरूर है वरना लम्स बन जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बस कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे एकदम गाढ़ा हमारा वेलवेटी टेक्सचर का मिक्स तैयार होगा। आप चेंज देख सकते हैं कंसिस्टेंसी में, हल्का हल्का गाढ़ापन आना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पर अपनी पुडिंग को शाइनी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच बटर, बिल्कुल ऑप्शनल है, हो तो डाल लीजिएगा, वरना आप इसकी जगह 1 छोटी चम्मच घी भी डाल सकते हैं, या फिर दूध की मलाई होती है ना तो 1 बड़ा चम्मच फिटी हुई मलाई डाल लीजिए। अच्छे से करेंगे मिक्स। और ये देखिए आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया गाढ़ा क्रीमी क्रीमी रिच हमारी पुडिंग तैयार हुई है। इस स्पैटुला पे आप देख सकते हैं जब मैं इस तरह डिप कर रही हूँ तो एकदम बढ़िया कोटिंग हो रही है। ये देखिए परफेक्ट, इससे ज्यादा इसको बिल्कुल गाढ़ा नहीं करेंगे। गैस को करेंगे बंद, और फ्लेवर के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ रोज एसेंस। तो मैं इस पूरे मीठे को रोज फ्लेवर का बना रही हूँ तो रोज एसेंस डाल रही हूँ। आप अपने मन चाहे फ्लेवर में इसे बना सकते हैं। और बस जो भी हमने थाली में अपनी सेवैया तैयार की थी सेट होने के लिए, ये देखिए इसके ऊपर ये बढ़िया सी क्रीमी क्रीमी वेलवेटी पुडिंग हम डाल देंगे। अच्छा, जो भी आप डिश या प्लेट लेना या थोड़ी गहरी लीजिएगा क्योंकि हमें 3 लेयर बनानी है, तो उस हिसाब से परफेक्ट। ये देखिए एकदम बढ़िया हमारी पुडिंग लेवल हो गई है। अब ऊपर से जो हमने सेवैया बचाई थी ना, ये देखिए ये वाली, ये बची हुई सेवई से हम पूरी ऊपर की लेयर कोट कर देंगे, यानी 3rd लेयर। बस इस तरह डाल दीजिए हल्की हल्की। आप ऊपर से इसको अपने मन चाहे तरीके से सजा सकते हैं, चाहे तो ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए, साइड साइड में आप सेवैया डाल लें, ऐसे भी सजा सकते हैं, तो जैसे चाहे अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार इसमें वेरिएशन कर सकते हैं। ये देखिए परफेक्ट। अब इसको हम रखेंगे 2 घंटे के लिए फ्रिज में, इससे ये बढ़िया से सारी जो लेयर्स है ना वो सेट हो जाए, तो जब आप इसको निकालें तो एकदम बढ़िया उसकी लुकिंग आए और ठंडी ठंडी खाने में मजा आ जाए। और ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारी नवाबी सेवैया सेट हो गई है। ये देखिए अब आप इसे नवाबी सेवई मीठा बोलिए या फिर आप इसे इंस्टेंट कुनाफा भी बोल सकते हैं। और बस एक नाइफ से अपने मनचाही शेप में इसको कट कर लेंगे। मैं इसको स्क्वायर शेप दे रही हूँ। परफेक्ट, कितनी सुंदर इसकी लुकिंग आई है। और साथ ही मैं इसको यहाँ डेकोरेट कर रही हूँ थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता की कतरन से और थोड़े बादाम के फ्लेक से। और इसको एकदम रॉयल लुक देने के लिए मैं यहाँ लगा रही हूँ गोल्डन वर्क, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप जैसे चाहे वैसे इसको सजा सकते हैं। चांदी का वर्क हो तो चांदी का वर्क लगा लीजिए, मेरे पास ये गोल्डन वाला था तो मैं ये लगा रही हूँ। सभी चीजों का ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इन चीजों को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। बस ऐसे हल्का हल्का थोड़ा सा लगा देंगे ना तो बाजार वाली लुक आ जाएगा। और ये देखिए आप इसका क्रंची और क्रीमी सॉफ्ट टेक्सचर देख सकते हैं। बड़े बड़े डेजर्ट्स और मिठाई फेल हो जाएंगे इसके आगे। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी रॉयल डेजर्ट नवाबी सेवई। तो अभी रमजान चल रहे हैं तो इफ्तार में आप जरूर बनाएं, ये आपको भी पसंद आएगी और आपके मेहमानों को भी। सिंपल सी घर की चीजों से कुछ ही स्टेप्स में आप इसे तैयार कर सकते हैं बगैर झंझट। ऊपर से हल्की सी क्रंची और साथ में नीचे वेलवेटी क्रीमी रिच लेयर, साथ में क्रंची लेयर फिर से। और इसी तरह से मैंने नवाबी सेवई को कटोरी में भी बनाया है, यानी कटोरी में ही बनाइए कटोरी में ही खाइए, और देखिए कितनी सुंदर इसकी लेयर्स दिख रही हैं। तो आप भी जाइए फटाफट बनाइए और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में जरूर बताइए कैसी लगी आज की ये स्पेशल नवाबी सेवई की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।